पिछली बार हमने देखा था प्रक्रिया जो चली थी जेल के अंदर जाना और उसको निकालने में काफी लंबा वक्त लगा था, इस बार प्रोसेस थोड़ी जल्दी होने की संभावना दिख रही है? देखिए, इस बार जो प्रोसीजर है प्रोसीजर वही लीगल प्रोसीजर जो रहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से अतीक अहमद को साबरमती में रखा गया है। आपको दिखाती हूँ जो वैन है, देखिए वैन में दो तरफा सुरक्षा रहती है जहां पे अतीक अहमद को रखा जाता है। इसी तरीके की ये दो तरफा सुरक्षा रहती है कि वैन के अंदर एक छोटा गेट रहता है, उस गेट को जब अतीक अहमद या कोई बड़ा आरोपी रहता है जब वो वहां पे रहता है तो उसे बंद कर दिया जाता है और ये दूसरा बाहर का गेट रहता है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा जो सिक्योरिटी है, क्योंकि अतीक अहमद के साथ साथ पूरा एक जिसे कहते हैं यूपी पुलिस की करीब 15 से 20 लोगों की एक टीम चलती है, तो वो लोग भी पूरी तरीके से तैनात रहेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि फिलहाल जो लीगल प्रोसीजर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर अतीक अहमद को यूपी ले जाना है, तो वैसे में पूरी तरीके से चेक किया जाएगा तभी, क्योंकि साबरमती सेंट्रल जेल में है। साबरमती में गुजरात के अंदर अतीक पर कोई भी मामला दर्ज नहीं है, तो वैसे में पुलिस भी ये पूरी तरीके से ख्याल रखेगी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी सुरक्षा को लेकर, इसी वजह से यूपी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से, और पिछली बार जो प्रोसीजर हुई थी उसमें भी यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वैसे में क्या साबरमती सेंट्रल जेल इस तरीके से हैंडओवर कर सकती है या नहीं, ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को चेक किया गया था। अब जब यूपी पुलिस ने पहले ही वारंट को सबमिट करवा दिया है तो हो सकता है कि पिछली बार जो 5 से 6 घंटे का वक्त लगा था उसकी जगह पर 2 से 3 घंटे के वक्त में अतीक अहमद को यहां से प्रयागराज के लिए लेके जाया सकता है। लेकिन कुल मिलाकर पिछला जो प्रोसेस था गोपी वो भी काफी स्मूथ रहा था और इस बार भी यही उम्मीद की जाएगी कि क्या कहते हैं उसी तरीके से इनको ट्रांसफर किया जाए। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो ट्रांसफर है पिछली बार भी हमने देखा था, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से किस तरीके की तैयारियां पिछली बार से सबक लेते हुए की गई हैं ताकि समय भी कम लगे, कोई चूक भी ना हो और पूरा प्रोसेस जो है वो स्मूथ रहे? देखिए नेहा, जिस तरीके से अब वारंट भी लेकर पहुंची है पुलिस, कहीं ना कहीं ये साफ तौर से सिक्योरिटी पर्पज से भी उसको लाया जाएगा। और जिस तरीके से मुकदमा दर्ज है, आप मान के चलिए कि 307 लेकर 386, 506, 504 और इसके साथ 120 भी, इन सभी मुकदमों में जिस तरीके से अब सुनवाई होनी है उसको लेकर, अब क्योंकि अभी तक पुलिस के पास अतीक अहमद से सवाल पूछने के अलावा अब कुछ नहीं बचा था, और चूंकि अभी भी शूटर फरार है, शूटर उनके पास नहीं है, तो अब साबरमती जेल से प्रयागराज की पुलिस वहां पहुंची है और यूपी पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद से वो राज निकलवाए जा सके जिसकी वजह से अभी तक शूटर फरार है। तो अब इसको पूरे प्रोसेस को करने में 120 बी में जहां भी दर्ज है, इसके बाद बी वारंट लेकर जब पहुंची है वहां पर, तो अब उसको रोड के रास्ते लाया जाता है, सिक्योरिटी पूरी पर्पज को किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चूक ना हो और उसको यहां तक प्रयागराज ले जाया जाए और कोर्ट के सामने लाया जाए। तो ये तो साफ हो गया है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, इसीलिए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से गुपचुप तरीके से पुलिस ने इस बार इस पूरे प्लान को बनाया है और अतीक अहमद के पास पहुंची है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी स्ट्रैटेजी भी लगती है पुलिस के इसके पीछे कि आखिर वो क्या वजह है कि अचानक वो साबरमती जेल पहुंच गया और सीधे अतीक अहमद को लाने की कोशिश की जा रही है। और अब जब है अधिकारी अब बात करने को तैयार है, अब बता रहे हैं कि हाँ उसके ऊपर मुकदमे दर्ज है, उसी उपेश पाल हत्याकांड यानी कि जिसमें पुलिस अभी तकरीबन 40-45 दिन हो गया उसके बाद भी शूटरों को नहीं ढूंढ पाई है। अब उस पूरे मामले को लेकर जो मेन ध्रुव थी यानी जो मेन धुरी थी उस पर अतीक अहमद का नाम था और अतीक अहमद से अब सीधे पूछताछ होगी, क्योंकि इससे पहले जिस मामले में लाया गया था वो किडनैपिंग का मामला था उमेश पाल की, और अब जब लाया जा रहा है तो उमेश पाल हत्याकांड में, यानी कि सीधे तौर पे अब पूछताछ होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे राज हैं जो यूपी पुलिस को चाहिए थे, जिनको उनको जानना है, और यही वजह है कि अब उसको सीधे सीधे साबरमती जेल से प्रयागराज की ओर यहाँ लाया जा रहा है। और ऐसे में जो मुकदमे दर्ज है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब इस बार जब साबरमती जेल से पहुंचेगा प्रयागराज तो कई राज जो ऐसे हैं खुलकर सामने आएंगे। नेहा गोपी, जरा एक और चीज जरा बताइए कि पिछली बार हमने देखा अगले ही दिन पेश करना था कोर्ट में, नैनी जेल में रखा गया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। अभी क्या वो दूसरी प्रक्रिया होगी जिसमें कोर्ट के सामने पेशी लेकर रिमांड पर भी लेने की कोशिश हो सकती है ताकि पूछताछ इस पूरे मामले पर हो, क्योंकि आरोपी बनाया गया अतीक?
बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद को यहाँ से जैसे ही पुलिस लेगी उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी यहाँ से प्रयागराज ले जाया जाएगा। प्रयागराज की नैनी जेल में हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए उसे रखा जाए और उसके बाद कोर्ट में उसे सीधा पेश किया जाए, क्योंकि 24 घंटे का एक वक्त रहता है जब ट्रांसफर वारंट के आधार पर किसी भी आरोपी को जेल से ले जाया जाता है। ये पूरी लीगल एक प्रक्रिया है। तो वैसे में 24 घंटे का वक्त है यूपी पुलिस के पास, जब भी वो नैनी जेल प्रयागराज की जो नैनी जेल है वहां पे एंट्री करते हैं, उसके बाद 24 घंटे। तो आपको दिखाते हैं कि ये यूपी पुलिस की जो टीम है वो पहुंची हुई है। साथ ही मैं आपको बता रही थी कि नैनी जेल में ले जाया जाएगा, तो नैनी जेल में 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पे पुलिस अतीक अहमद की रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि उमेश पाल की हत्या हुई है और हत्या की साजिश जो है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद ने जेल के अंदर से ये पूरी साजिश की थी। तो कैसे इस पूरी साजिश को कैसे अंजाम दिया गया था, क्योंकि अतीक अहमद जो है वो साबरमती सेंट्रल जेल में बंद था, उसका भाई अशरफ जो है वो बरेली की जेल में बंद था, और दोनों ही जेल के अंदर बंद होने के बावजूद उमेश पाल की हत्या की एक पूरी साजिश रची गई। तो वो किस तरीके से रची गई, क्योंकि शार्प शूटर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि शार्प शूटर को गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो हत्या की साजिश थी उसमें अतीक अहमद का नाम जो है वो सामने आया है। तो वैसे में अब पूछताछ का दौर शुरू होगा, क्योंकि अब तक यूपी पुलिस ने अतीक अहमद से एक भी बार पूछताछ नहीं की है। तो अब यूपी पुलिस यहाँ पे पहुंची है, वारंट के जरिए उसे ले जाया जाएगा प्रयागराज की नैनी जेल में, और नैनी जेल पहुंचने के बाद 24 घंटे का पुलिस के पास वक्त रहता है, जब पुलिस जो है उन्हें कोर्ट में पेश करना रहता है, और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस अतीक अहमद के रिमांड जो है वो मांग सकती है और रिमांड पे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम 14 दिन के रिमांड जो है वो अतीक अहमद के लिए यूपी पुलिस को मिल सकते हैं। तो हत्या की साजिश कैसे की, किस तरीके से, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या पूरी प्लानिंग थी, शूटर कहाँ है, ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अतीक अहमद भले ही साबरमती सेंट्रल जेल में बंद था, लेकिन एक आशंका ये जताई जा रही थी कि पूरी हत्या की जो साजिश है वो अतीक अहमद ने इसी जेल के अंदर से बनाई थी और उसे यूपी में अंजाम भी दिया। तो ये पूरी जो साजिश है उसका खुलासा भी यूपी पुलिस को करना है, उसकी जो परत दर परत है उसको भी जोड़ना है, और इस तरीके से जोड़ना है कि एक पुख्ता सबूत उनको मिल पाए और वो उसी सबूत के आधार पर कोर्ट उन्हें अतीक अहमद को सजा सुना पाए। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये यूपी पुलिस को करनी है, और यूपी पुलिस को उसके लिए अतीक अहमद से पूछताछ करनी बेहद जरूरी है।